देख लिया ना अच्छे से अकला सर, अब पहचान भी लो। हो गए मृत्यु के दर्शन अकलासुर, संतुष्ट होना। प्रणाम प्रभु। प्रभु मेरा नाम तो कृष्ण है। आप चाहे तो अन्य सभी की तरह मुझे कान्हा बुला सकते हैं। कान्हा? वैसे आप कौन हो? चंद्रदेव को कहाँ छुपा दिया? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम पहले मिल चुके हैं? मैं ही तो चंद्र हूँ कान्हा, वही चंद्र जो वर्षों से बस दूर से आपके दर्शन कर रहा है। मैं आपको अपने झरोके से दिखता था प्रतिदिन, इसके लिए आप मुझे जाने पहचाने लगे। ये ध्वनि तो कान्हा की है, है कहाँ वो? जानते हो चंद्रदेव, आपका प्रकाश मेरे खटिया पे पड़ता है, पर कभी कभी तो आप मेरे मुंह पे चमकते हो। बातें किससे कर रहा है? कोई और है जिसे कंस से मिलना है। यदि अगली बार किसी ने भी मेरी तपस्या भंग करने की कोशिश भी की तो इस दृश्य को स्मरण करना और स्मरण रखना, कोई भी मेरी महारानियों से प्रश्न करने का दुस्साहस नहीं करेगा। बीते वर्षों में जैसा हुआ आगे भी वही होगा। मेरी अनुपस्थिति में सारे आदेश मेरी महारानियां देंगी और तुम सब उनकी आज्ञा का पालन करोगे, वो भी शीश झुका के। और यदि किसी ने भी मेरी महारानियों के आदेश का उल्लंघन किया तो उसकी यही दशा होगी। मनोहर जाओ और पूरे मथुरा में इसके मृत तन की प्रदर्शनी करो ताकि सबको पता चल जाए कि मथुरा नरेश महाराज कंस अभी जीवित हैं और उनका क्रोध भी। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे अपने पास बुलाने की इच्छा प्रकट की, ये सौभाग्य था मेरा, इसे व्यर्थ कैसे जाने देता, इसलिए चला आया आपके पास, आपके दर्शन इतनी निकट से करने। कान्हा कहाँ है तू? यही हूँ मैया, चंद्रदेव से बातें कर रहा हूँ। कहाँ है तेरे चंद्रदेव? यही मेरे सामने।
चल। महाराज कंस ने भरे दरबार में अपने सभासद मित्र की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि वो अभागा तपस्या में लीन महाराज के दर्शन की मांग कर रहा था। देवकी, देवकी, उठो देवकी, देवकी, देवकी तुम्हें क्या हो गया? उठो देवकी, उठो। चंद्रदेव वहां है। पलवर को मुझे लगो आप कान्हा के सामने हाथ जोड़ रहे हो। नहीं वो मैं तो... हाँ हाँ पता है मुझे, आप चंद्रदेव को प्रणाम कर रहे थे। सब आ जाओ चंद्रदेव के दर्शन के लिए। प्रणाम कर लल्ला। चंद्रदेव के दर्शन हो गए, अब चलकर अश्विन पूर्णिमा के खीर का प्रसाद ग्रहण कर लो। सबसे पहले खीर मिलेगी बालकों को। कान्हा तेरी टोली कहाँ है? मैया मेरे सब सखा तो सो गए। सबने सोए कान्हा, मैं जाग रहा हूँ। छोटी माँ आपने कहा था ना कि कान्हा का ध्यान रखना। जब आप कान्हा को अपने साथ ले गई थी तब मेरी आँख लग गई थी। कोई बात ना है बलराम, तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जिस सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया अच्छा बालक क्या होतो है? क्या मैं अच्छा बालक ना हूँ? तू और तेरे प्रश्न। बहुत समय हो गया है लल्ला, घर ना चल लो है। चल चल अच्छा। मैया बताओ ना अच्छा बालक किसे कहते हैं? कितनी रात हो गई है लल्ला? अभी विश्राम कर, गहरी नींद सो जा। कल जो पूछना है ना सब पूछ लेना, मैया सब बता देगी। अभी विश्राम कर। मैया कल रात के जागरण के बाद थको ना तू? इतनी सुबह उठ गयो? आप भी तो उठ गई मैया, इतनी सी कार्य भी करने लग गई। अब अपने कान्हा के लिए मैया माखन ना निकालेगी तो कौन निकालेगा भला? लाओ मैया अब मैं करता हूँ, इतनी देर से कर रही हूँ, थक गई होगी ना। प्रयास करना है। रुक जा लल्ला। हाँ। अरे वाह कान्हा ने तो बड़ी शीघ्र ही छाछ मतना सीख लियो। हाँ सप्ताह भर तक मथेगो तो थोड़ा बहुत माखन तो आई जावेगो। बड़ी हंसी आ रही है तुम सबको, छोटे से बालक का उपहास उड़ा के। अपना कार्य कर सब। कितना अच्छा है मेरा लल्ला, कितना बुद्धिमान है। मैया ने कही भी ना फिर भी मैया की सहायता करने आ गया।
ऐसे ही होते अच्छे बालक। तूने पूरी रात इसका ध्यान रख के जे सिद्ध कर दियो है कि तू बहुत अच्छा दाऊ ही ना, बहुत अच्छा बालक भी है। मैया, अच्छा बालक किसे कहते हैं? आपने की थी ना, अब सुबह बताओगी, अब बताओ ना। जो सदैव अच्छे कार्य करे, सबका भला सोचे, बड़े बूढ़ों का आदर करे, उनका सम्मान करे, अच्छा बालक उसे ही कहते हैं। अच्छा कार्य करे और सबकी सहायता करे और सबका आदर करे और बड़े बूढ़ों की सेवा करे, जे कभी मत ही भूलियो कान्हा, जे बहुत आवश्यक गुण है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल, फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। हे लक्ष्मी नारायण, अच्छा बालक बनने के लिए बड़े बूढ़ों की सेवा करना बहुत आवश्यक है। मैं समझ गया मैया। मेरा लल्ला। जशोदा जी, ओ जशोदा जी, कहाँ चल दियो लल्ला? अतिथि की सहायता करने। संभाल के। ठहरो चाची, मैं सीढ़ी चढ़ने में सहायता करने आयो हूँ। बड़ा आयो सहायता करने वालों, सीढ़िया में स्वयं चढ़ सकती हूँ। मैया ने कही, जो अच्छा बालक होतो है, बड़े बूढ़ों की सहायता करतो है। क्या कही तूने? बड़े बूढ़ों की सहायता? देख काना, मैं बड़ी तो होवस हूँ पर बूढ़ी ना हूँ, समझ में आई? जशोदा जी, भगवान भला करे तुम्हारा, बहुत सहायता। बूढ़ी हो गई हूँ मैं, कुछ न कुछ भ्रम होता ही रहता है। इस गोकुल में अनजान बुढ़िया की कौन सहायता करेगा? जशोदा जी, आओ सुलक्षणा, आप लल्ला को समझा दो, मैं कोई बूढ़ी थोड़ी ना हूँ। क्या हुआ मैया? मैं तो सुलक्षणा चाची को सीढ़ी चढ़ने में सहायता कर रहा था, बस अच्छा बालक बनने का प्रयास कर रहा था।
जशोदा जी, मैं आपसे ये पूछने आई थी कि थोड़ा दूध मिलेगा जे? क्या है ना, आज मेरे गैया का सारा दूध बछड़ा पी गयो, कुछ बचो ही ना। हाँ हाँ मिलेगो, क्यों ना मिलेगो, बहुत है यहाँ। बस आधी मटकी पर्याप्त है। आधी मटकी तो आप भी जाओगे चाची? मेरे सखा वसंता के लिए भी तो ले जाओ। हाँ तो पूरी मटकी दे दो। ये दोनों भी यही है? तुझे तो मैं बाद में बताऊंगी, बड़ा आयो अच्छा बालक। हे नारायण, आज सुबह से एक भी फल ना बिको है। कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सदैव की तरह मैं आपके लिए सबसे अच्छा फल चुन के लाई हूँ। मिर्ची लग गई मेरी आँख। मिर्ची लग गई। प्रभु, इस दिए में घी तनिक कम है, परंतु आप जानते हो कि इस बुढ़िया के हृदय में आपके प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं है। मैं जानती हूँ कि माटी का दिया थोड़ी देर में बुझ जाएगा और ये हार्ड रक्त का शरीर भी गिर जाएगा, लेकिन मेरे प्राणों में आपकी भक्ति का दिया हमेशा जलता रहेगा। वो लौ कभी नहीं बुझेगी प्रभु, कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जलती रहेगी वो लौ। अरे कान्हा, तेरी फूंक से तो मेरी आँख सच में ठीक हो गई। अब तो मैं अच्छा बालक हूँ ना, सच्ची बताना। हाँ तू बहुत अच्छा बालक है। बंसी जी, खाट बिछाओ, कुछ व्यक्ति मुझसे मिलने आ रहे हैं, उपनंद भैया ने कही। जी शीघ्रता करो। अरे इनकी बैठक होने वाली है, मैं वस्त्र लेके आती हूँ। मैं लेकर आती हूँ ना? ना ना, तो सुलक्षणा को जलपान करा, मैं लाती हूँ। ठीक है। लगता है जितो भोजो लाए थे उतो ही वापस ले जाना पड़ेगा। सहायता करूंगा मैया। मैया की सहायता कर रहे हैं? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ। हाँ देख के आ जा लल्ला।
ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला। जशोदा जी ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ, इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए आइए। नारायण नारायण इंद्राजी। नारायण नारायण बिराजी आप। कहिए क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गैयों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारियों को बेचते हैं। पर बीते कछु दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते, हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम जे चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज, आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज, हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और जे चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज। हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी, आप धन्य हैं। नंदराज की जय। 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 आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा। अरे मेरे कान्हा आजा। कान्हा मैं गोकुल को राजा हूँ ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है, इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गया बाबा। चल अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? जशोदा भाभी तने किधर तो देखो, कितना चारा लाए हो? इतने चारे के बदले एक बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो फल।
मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करतो है, तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों, आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है, अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है, सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस। कौन है वहां? आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज? और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना? नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद, रात भर प्रयास करता रहा पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी, कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं? उस राक्षसी तलवार पर रख देखकर मेरा हृदय कांप अवश्य गया था, पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर अवश्य है कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है, और कंस के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है, आओ गले लगो। महाराज कंस के भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कपकपाना यह सिद्ध करता है कि तू कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी, वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी।
बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल, कंस का भाई, मेरे सीधे साधे भैया राष्ट्रपाल। इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी, कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। मित्र नहीं, भ्राता बाणासुर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब कुछ कराया है। क्या करवाया और कहां है मेरा मित्र कंस? वहां मुझे सच्ची में फल चाहिए ना, कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थी मत कष दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगो। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने, अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। इतना सहाय, फिर इतनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है। किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना? और तुम नन जी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्णा है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ? इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी जो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ बताओ, कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले, और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के
बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानू चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कनक कर क्या रो है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है काना, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारे ही ले लो। पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है, और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयां देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ नौछावर कर दूँ इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, बाहर एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है, मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है, जे पाठ तो इसे सिखाना ही होगा। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। ले गो है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके लिए मूल्य, ले आया मैं। ये दो चार दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया।
क्या कहा तुमने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको, तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। मैया मैया मैया। तो क्या तू और खोपड़ियों की तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है? फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। बच्ची मैं आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा। हाँ। सोच लो मैया, बदले में कूली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना? ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। तो ठीक है मैया, अना को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ, और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा। जी मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जसोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयाना निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। इतनी सी आयु में समझ गए हैं कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती है मन की भावनाएं। कहीं फल कम ना पड़ जाए।
प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। इतने तो सुबली खा जाएगा मैया, और दो ना। गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले ही सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ आदि की मोल भाव कर लियो इसने। मैया दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा। अच्छा। लल्ला, फल तो जीवन भर बेचे हैं, पर तेरे जैसा ग्राहक कभी ना मिलो। आज तुझे ये फल देके और तुझसे अनोखा मूल्य लेके आनंद से भी अधिक परम आनंद मिलो है मुझे। मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनंद आया मैया। लल्ला, इतने सारे फल? हाँ भैया, उनके पास जितने थे सारे ले आया मैं। अब आपकी सखिया और मैं सखाओ दोनों के लिए प्राप्त है ये। बूढ़ी माई ने अबोध बालक समझ के कछु मांगो ही ना और सब दे के चली गई। नाना, मुझे जाके उनके हाथ में कछु रखनो चाहिए। माई, माई, क्या हुआ? देखो ना जी, एक माई आई थी, इतने सारे फल दे गई है लल्ला को और उसके बदले में कुछ भी ना लियो। उन्हें ढूंढ रहे थे कि कुछ दे दूं उसके बदले में। तुम चिंता ना करो यशोदा, मैं देख कर आता हूं। वृद्ध महिला है, अधिक दूर ना गई होगी, उन्हें उचित मूल्य भी देकर आऊंगा। तो इस तरह से विष्णु रूप ने मेरे मित्र कंस को तपस्या करने पर विवश कर दिया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा? महाराज कंस राजकार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे। कहीं अव्यवस्था ना फैले और विद्रोह की अग्नि ना सूझे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने महाराज कंस से जाली हस्ताक्षर किए, अधिक से अधिक कर लगाए, वो सब किया जो महाराज कंस किया करते थे। हमने आपके मित्र और अपने स्वामी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया, केवल उनकी और स्वयं की रक्षा की है। और जब संकट की पदचाप सुनाई दी तो आप दोनों इस कठपुतली को कंस बनाकर सामने ले आए और फिर चारों दिशाओं में कंस का भय स्थापित कर दिया। उत्तम, अति उत्तम।
आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। भाई भाई कैसे हो गए? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गयो कि लाठी की आवश्यकता ही ना है। सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंदलाला। हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का।
चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का सभी फल है मैया, फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुको है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड़ दुलार करके उस अनमोल फल के आगे प्रभु, इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है। अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समान नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी, ताकि इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया, पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतुष्ट, भगवान संतुष्ट, भगवान संतुष्ट। प्रभु पीछे देखिए, किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना।